प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू की जा रही है। ये नहीं, प्रधानमंत्री किसान योजना प्रारंभ 2017 में की गई है। 2016-20 से 20 की अवधि में इस योजना हेतु 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत खेत से खुदरा बिक्री केंद्रों तक तक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक आवरण सृजन होगा। आगे देखते हैं। चावल उत्पादन में भारत में विश्व में स्थान है, कौन सा दूसरा है? कृषि एवं खाद्य वैश्विक स्तर पर आंकड़ों में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश में देश के कुल चावल उत्पादन के प्रतिशत के अनुसार चावल उत्पादन राज्यों का अवरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए क्या आएगा इसमें। एक ऑप्शन क्या क्या आएगा? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब आएगा। ठीक है। देश में निम्न में से कौन सी खाद्यान्न फसल सबसे अधिक उत्पादन देती है? कौन सी होती है? चावल देती है। चावल भारत में उत्पादित खाद्य फसलों में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किए जाने वाले खाद्य चावल है। तो एक चौथाई भूभाग में चावल की कृषि की जाती है। भारत में निम्न से कौन सी एक फसल के लिए अंतर्गत सर्वाधिक कृषि क्षेत्र है? कौन से? चावल है। चावल राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। गुवाहाटी गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, जबकि तंबाकू वर्तमान में तंबाकू मूंगफली सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है, जबकि नमक का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। भारत में प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है, ये उत्तर गलत है। देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष महत्व है, जिसमें मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर। भारत का वह राज्य कौन सा है जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिक अंशदाता है? कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में कैवा, रबड़, तंबाकू सभी कृषि की जाती है? कर्नाटक में। कर्नाटक, तमिलनाडु, कैवा, रबड़ एवं तंबाकू कृषि की जाती है। सबसे अधिक मात्रा में केसर होती है कहाँ पे? होती है जम्मू कश्मीर में होती है। एक वर्ष के दौरान दौरान भूमि के एकड़ एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की क्रिया को फसल के रूप में जाना जाता है। बहुखंडीय। क्या होता है? बहुखंडीय। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुखंडीय है। ठीक है, खतरों पर विचार करते हैं। भारत में मृदा अपरदन की समस्या से जुड़ी हुई है। क्या क्या जुड़ी है? 1, 2, 3, 4। अत्यधिक वर्षा, वनों की कटाई, अत्यधिक खेती, अतिसारण। ठीक है, विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि परिषद में कौन सी नवीन प्रवृत्ति देखी गई है? कौन सी? अभी 1, 2, 3। कृषि का व्यापारीकरण, कृषि क्रियाओं में विविधता, कृषि का निगमनीकरण। भारतवर्ष में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है, इसमें 5 वर्षों में गणना की जाती है। 1997 में कृषि की पहली बार कृषि जनगणना वर्ष 1970-71 में की गई थी। 5 वर्षों के अंतर्गत की जाती है। भारत में कृषि सेनेस कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? 5 वर्षों के अंतराल में। भारत में गोल क्रांति संबंधित है किससे? आलू से। भारतीय कृषि से संबंधित कुछ क्रांतिकारियों उनके संबंधित उत्पादों के साथ उनका मिलान कीजिए तो क्या आएगा? दूसर क्रांति में क्या आएगा? दूसर क्रांति में उर्वरकता, भूरी क्रांति में चमड़ा, गुलाबी क्रांति में क्या आएगा? झींगा मछली, तथा पीली क्रांति में आ गया तिलन। किस राज्य में स्लेम एंड बर्न प्रकार की काशी के कोरवा के नाम से जाना जाता है? झारखंड में। केरल राज्य विश्व भर में निम्न से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? गर्म मसाले के लिए जाना जाता है। केरल प्राचीन काल में विश्व में गर्म मसाले के लिए सर्वप्रथम केरल में कई प्रकार के मसालों को उगाया जाता है। मसालों का बगीचा कहा जाता है। नाबीची एमीची है क्या है? गेहूँ की एक किस्म। पूसा सिंधी सिंधु गंगा किस फसल की किस्म है? अभी देखते हैं किसकी है। गेहूँ की है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य जूट में सर्वाधिक उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल। किसमें? पश्चिम बंगाल में। भारत में दुनिया का 60% सर्वाधिक पश्चिम बंगाल जूट उत्पादक है।
भारत का 15 एग्रो क्लाइमेट्रिक कृषि जलवायु में से कौन से पश्चिमी शुष्क वर्ग किया जाता है? राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में। किस रेशे को सुनहरा रेशा के नाम जाना जाता है? जूट को। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। भीमराव अम्बेडकर ने 14 दिसंबर, 14 अप्रैल को राष्ट्रीय दिवस कहते हैं, 12 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया। वर्मी कंपोजिशन के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? लाल कृमि को। केंचो खाद तथा वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों के लिए किया जाता है? लाल चॉकलेटी गंग किस करता है। पश्चिमी राजस्थान में मृदा में किसका अधिक अंश होता है? कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम का। एक बागानी फसल नहीं है, कौन सी नहीं है? चावल नहीं है। इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कौन सा नहीं है? कागज। इनमें से कौन सा कंदक मिलेटन फसल नहीं है? कौन सी असली नहीं है? बीज की नई संकर किस्मों के आविष्कार में अभियांत्रिकी के किस क्षेत्र को एक शक्तिशाली पूरक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? आनुवंशिक विज्ञान अभियांत्रिकी। जिन क्षेत्रों में किसान केवल में विशेषता के रखते हुए कृषि को ट्रक कृषि के रूप में जाना जाता है? किसमें? सब्जी के रूप में जाना जाता है। कृषि किसानों कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2019-20 में नारियल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्पादक देश कौन सा है? तमिलनाडु है। लवणीय मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा है? लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम अधिक मात्रा होती है, इसलिए यह उपजाऊ होती है। वनस्पतियों की वृद्धि अच्छी होती है। मृदा संरचना के संदर्भ में OS नरस्थ क्या है? मृदा के सबसे ऊपरी जीवी परत होती है। किस मृदा को रेगुर मृदा के रूप में जाना जाता है? काली मृदा को रेगुर मृदा के रूप में जाना जाता है। काली मृदा, छोटो मृदा। भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? कपड़ा उद्योग में। करते कपड़ा प्राचीन उद्योग देश के संगठित व्यापार है। प्रथम कारखाना 1818 में फोर्ट ग्लास्टिंग कोलकाता में लगाया गया था, ऐसा पद रहा था। प्रथम सफल कारखाना कवासा डिडाइदोना 1854 में बम्बई में लगाया गया। भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। सूती वस्त्रों के उद्योग में महाराष्ट्र प्रमुख विस्तार में है। मुंबई सूती वस्त्र, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। कोट नोपोली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गुजरात में अहमदाबाद का प्रमुख केंद्र है। भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। सूती वस्त्रों को मेलों की सर्वाधिक 300 तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत की मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कौन सा नगर कहा जाता है? कोयम्बटूर कहा जाता है। भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी कोटनोपलिस के रूप में प्रसिद्ध है? मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। कथन बताइए। यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादन की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। इसमें क्या आएगा? ए आर दोनों कथन सही हैं। कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में भाग है। कथन दोनों भारत में कपास उत्पादन राज्य में गुजरात हुआ महाराष्ट्र हुआ आंध्र प्रदेश कर्नाटक आदि हुआ। NEP एक उद्योग के लिए प्रख्यात है, कौन से? अखबारी कागज उद्योग के लिए। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समय स्वतंत्रता पश्चात बनाए गए थे? भिलाई दुर्गापुरा और राउरकेला। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 कारखाने भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला। भिलाई में रूस के सहयोग से लगाया गया, दुर्गापुरा ग्रेट निकोबार के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। कब लगाया गया? बोकारा झारखंड में वाला लगाया गया, बोकारा झारखंड वाला लगाया गया 1974 में। इसके रूस के सहयोग से लगाया। कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी की सहायता से लगाया गया? उनसे दुर्गापुरा लगाया गया। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए सम्मिलित को चयन कीजिए। बिलाई लोहा इस्पात उद्योग क्या है? इसमें रूस के सहयोग से लगाया गया। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुरा लोहा इस्पात उद्योग किसके सहयोग से? यूनाइटेड किंगडम के। पास्को इस्पात पारादीप दक्षिण कोरिया के सहयोग से। भारत में लोहा इस्पात कारखानों के निम्नलिखित सहयोग में से किसका स्वतंत्रता के बाद की गई है? कौन सी है? बिलाऊ राउरकेला के। बिलाऊ राउरकेला राव
राउरकेला स्टील प्लांट के सहयोग से ओडिशा के सुंदर जिले में स्थापित की गई है, जर्मनी में। किसमें? जर्मनी में। आगे देखते हैं, बिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट क्या है? बिलाई आयरन स्टील दुर्गापुरा में। राउरकेला आयरन एंड स्टील ग्राम किसके सहयोग से? सुंदरगढ़ से। ठीक है, और आगे देखते हैं, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्धनवान से। जिंदल विजयनगर स्टील प्लांट किससे? दुर्ग से। किससे? दुर्ग से। किन इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन सेल के द्वारा होता है? किसके द्वारा? सेल के द्वारा होता है। इसमें क्या आएगा? 1, 2, 3, भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला, बुरनर आदि सहयोग से। 1973 में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वह इस्पात विस्तृत किया गया है। वर्तमान में दुर्गापुरा, राउरकेला, बिलाई, बोकारा, भद्रावती, सलेम आदि से मिले। कौन सा लौह इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड शामिल नहीं किया गया? कौन सा है? कुल्टी नहीं किया गया है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना और बाद में कुल्टी में अन्य कारखाना स्थापित किया गया बरनपुर में। कौन सा? बरनपुर। कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है? सेल में। सीनरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? रासायनिक उर्वरकता के लिए। किसी रासायनिक उर्वरकता? भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट में लगाया गया, दूसरा कारखाना बेलेगुला, तीसरा अलाई केरल में, चौथा सिंदेरी। सार्वजनिक कारखाना क्षेत्र का प्रथम कारखाना है। आगे देखते हैं, रुको थोड़ी देर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उर्वरक उद्योग का केंद्र नहीं है? कौन सा है? भोपाल नहीं है। 1991 में सिंदरी झारखंड में उर्वरक उर्वरक संयंत्र की स्थापना की गई थी। अन्य उर्वरक कारखाने नांगल, बठिंडा, पानीपत, विजयपुरा, कोयम्बटूर आदि किया गया है। कौन सा एक उर्वरक उद्योग केंद्र नहीं है? कौन सा नहीं है? मुजम्मपुर। उद्योग स्थित में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है? कागज बठिंडा उद्योग सम्मिलित है, पंडित नहीं है। कौन सा राज्य भारत में अग्रणी चीनी उत्पादन है? उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। सोनापुर, मुजफ्फपुर, मेरठ में, दिल्ली, मुंबई। निम्न से कौन सा एक भारत में उर्वरक उद्योग केंद्र नहीं है? कौन सा नहीं है? भोपाल नहीं है। ठीक है, कर लिया, ये भी कर लिया। ठीक है, अग्नि में उत्तर प्रदेश ये भी कर लिया था। कौन सा भारतीय उद्योग भारत के विभाजन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं? कौन सी हैं? नकारात्मक रूप से 3 और 4। नकारात्मक रूप से कौन कौन से? 3 और 4। 3 सूती और 4 कौन सा? जूटी उद्योग। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है। कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया है? जमशेदपुर। कौन सा है? जमशेदपुर। 1907 में जमशेदपुर कच्ची टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा स्थापित टिस्को द्वारा स्थापित किया गया है। कौन सा औद्योगिक प्रदेश बारीदात उद्योग के लिए जाना जाता है? छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश जाना जाता है। इनसे कौन सा मानचित्र पूर्व बंदरगाह में स्थित है? कौन सा है? तूतीकोरियन चेन्नई, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम है। तूतीकोरियन तमिलनाडु में है, मछलीपट्टनम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। भारत के पूर्व प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम सर्वश्रेष्ठ, यह एक देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भारत का गहनता जवाहर है। कांडला बंदरगाह स्थित है कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी में है। कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी में, गुजरात पर। पारादीप विकास जिन बंदरगाहों का बार क्रम करने का किया गया है, यह है कोलकाता, विशाखापट्टनम। पारादीप बंदरगाह का विकास कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरों के भार को कम करने के उद्देश्य से किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य किया गया। राज्यों में रबड़ का उत्पादन नहीं किया गया, कहाँ पे? तेलंगाना में नहीं किया गया, तेलंगाना में। ठीक है, एल्यूमिनियम कंपनी अवस्थित सम्मिलित कीजिए, एल्यूमिनियम सम्मिलित कीजिए। इसमें क्या किया गया? एल्यूमिनियम में पहला है बालको कोरबा में, हिंडाल को रेणुकट में, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड में, नाल को कोरापुट में। कंपनी को सम्मिलित कीजिए। बी ठीक है, बी एच
EL VHEL का होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, HAL में क्या आएगा, HAL में एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स। फिर SAI इसमें रासायनिक होता आएगा, और इसमें लास्ट में क्या आएगा, नहीं इसमें आएगा अलोयस के, इसमें रसायन आएगा, ठीक है। विलाई, विलाई जा, विलाई में, विलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और राउरकेला ओडिशा में, जमशेदपुर झारखंड में, ठीक है। यूरेनियम केंद्र सम्मिलित, यूरेनियम केंद्र राज्य सम्मिलित किया गया है एक में, दोमियासियाच में क्या आएगा, मेघालय आएगा। लंबापुर, लंबापुर में क्या आएगा, आंध्र प्रदेश आ गया, आंध्र प्रदेश। मतलब रोहिली में क्या आएगा, रोहिली में राजस्थान आएगा। गोगी में आएगा कर्नाटक, ठीक है कर्नाटक। अब जनसंख्या, जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है, ये देखेंगे, ठीक है आगे देखते हैं। 10 और 11 पेज बच रहा है। जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है, 10 वर्षों में। जनगणना 1931 में की गई थी प्रथम जनगणना, सर्वप्रथम जनगणना 1987 में लॉर्ड मेयो काल में, प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1988 में लॉर्ड रिपन के काल में, 2011 में 15वीं जनगणना, 17 की 7वीं जनगणना, वर्तमान में 10वीं जनगणना है। 2011 में जनगणना 15वीं जनगणना थी, कितनी, 15वीं। दो भारत की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या अंतिम आंकड़ा कितना किया गया, 17.7% अंतिम आंकड़े 17.7% किया गया है। दशक में जनसंख्या वृद्धि 21.54% रही है। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या दशक की वृद्धि कितनी है, 17.7 है। जनगणना का सूत्र होता है कुल जनसंख्या कुल क्षेत्रफल होता है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, केरल है, कितना, 1,084। न्यूनतम लिंगानुपात कितना है, हरियाणा 879। 2011 की जनगणना अनुसार लिंगानुपात दर्शन अवरोही क्रम बताइए, अवरोही क्रम में छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, आरोही यानी कि छोटा से बड़े। 2001 से 2011 के कम दशक की है जनसंख्या वर्धित अंकित कीजिए, आंध्र प्रदेश का कितना, आंध्र प्रदेश ये छोड़ो इसमें। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश मिजोरम में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक चार राज्य कौन से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल है। 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या दृष्टि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी की दृष्टि से इनमें से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, महाराष्ट्र, कौन सा है, महाराष्ट्र। 2011 की हर भारत के किस शहर में जनसंख्या सर्वाधिक है, मुंबई में, इतने मुंबई में है। 2011 की जनगणना के अनुसार में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, ठाणे, कौन से, ठाणे। 1981 से 91 के दौरान किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत की गई है, सबसे कम प्रतिशत की गई है किस में, 3, केरल में। आगे देखते हैं भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा जाता है, 1991 को जनसंख्या बढ़ती, जनसंख्या बढ़ती स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम जनगणना, कट जा रहे थे स्वतंत्रता पश्चात भारत में किस प्रथम जनगणना, 1991। भारत में जनगणना 2011 में साक्षर दर कितना है, 74.4, ठीक है। महिला में साक्षरता कितना है, 64.6, पुरुष साक्षरता 80.9। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का निम्न से कौन सा क्रम राज्यों को साक्षरता के बढ़ते क्रम को दर्शाता है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, ठीक है। आगे चलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश उच्चतम महिला साक्षरता प्रतिशत किए गए हैं, केरल में, किसमें, केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में उच्चतर साक्षरता है, केरल की है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण शहरी कितना है, ग्रामीण है 75% और शहरी है 24.9%। कौन सा भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, बंगाली। हिंदी, भारत में हिंदी के 50% व्यक्तियों में बोली जाने वाली भाषा बांग्ला, मराठी, तेलुगु है। भारत में बोली जाने वाली अनुचित भाषाओं
अनुसूचित भाषाओं को वर्ष 2011 की जनगणना कीजिए। सबसे पहले कौन सी आएगी? बंगाली, फिर उसके बाद में मराठी, मराठी के बाद में तमिल, तमिल उर्दू। भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कौन सी है? तमिल। कौन सी बताएगी? मराठी बताएगी। ये 2011 के अनुसार विश्व राज्य का सर्वाधिक वृद्धि दर किसका है? उत्तर प्रदेश का है। वृद्धि दर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, ठीक है। मेघालय जनसंख्या दर से सर्वाधिक। लिंग अनुपात का क्या अर्थ है? प्रत्येक 1,100 व्यक्ति के मध्य जनसंख्या का अनुपात किसे कहा जाता है? जनसंख्या के दो घटकों के बीच संतुलन की स्थिति। किशोरों की जनसंख्या को सामान्य किस आयु वर्ग सम्मिलित किया गया है? 10 से 19 वर्ष आयु के बीच को किया गया है सम्मिलित, ठीक है। ये कंप्लीट ज्योग्राफी हो गई, भारत की ज्योग्राफी के संपूर्ण टॉपिक हो चुके हैं। धन्यवाद।